सरकारी नदी की जमीन पर भूमाफियों का कब्जा। बरेली, भूमाफियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब तो सरकारी जमीन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। हाल ही में थाना किला क्षेत्र में स्थित नदी पर भूमाफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं आसपास के रहने वाले विजय पुत्र इतवारी, राधेश्याम पुत्र चोखेलाल ने आज कमिश्नर के पास शिकायती पत्र दिया। कमिश्नर ने मामला जिला अधिकारी के पास भेजा। अंत में जिला अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश एसएसपी को दिए। एसएसपी का कहना है कि दोषी पाए जाने पर भूमाफियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राधेश्याम, हम किला छावनी के लोग हैं। हमारे क्षेत्र में किला नदी है जिसके घाटा संख्या 90, 98 और सैदपुर हागनस के भी कुछ घाटा संख्या हमारे मोहल्ले में है। कुछ भूमाफिया लोग इस पर लगातार 3 दिन से पटान करते आ रहे हैं और कुछ पटान करके उन्होंने बेच भी दिया गया है। कुछ बुनियाद भर दी गई हैं, कुछ निर्माण अवैध करा दिया गया है, जिसकी शिकायतें लगातार होती रही हैं। आज हम लोगों ने आयुक्त महोदय बरेली के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, जिन्होंने निर्देशित किया डीएम बरेली को। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए और कार्रवाई की अपेक्षा में इंतजार प्रतीक्षारत हैं। हम लोग देखते हैं क्या कार्रवाई होती है उन लोगों के खिलाफ। जमीन नदी भूमि है, ये नदी के घाटा संख्या है ये, और कुछ ग्राम समाज के नंबर हैं। उन सब पे भूमाफियाओं की नज़र है, जिसमें लेखपाल और कानीगोई की मिली भगत है। तहसील इस कुछ एक लोग वहीं के हैं दबंग, जो लोग जुआ और सट्टे से ताल्लुक रखते हैं। तो इसमें लेखपाल का क्या रोल है? वो लोग उसके जानबूझ करके बगैर किसी विधिक पैमाइश के लगातार ये बार्गेनिंग करते हैं। ये फला नंबर है, ये 97 नंबर है, ये फला का नंबर है, और उनका बचाव करते हैं, जिससे कि पर्दे के पीछे उनको लेखपाल कौन है? लेखपाल एक तो उसके अंदर एक तो नरेश हैं और भी कई एक लोग और हैं शामिल। कहाँ पड़ता है ये है? मोहल्ला किला छावनी, थाना किला के अंतर्गत आता है। आप साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? सामने कहा कार्रवाई होगी।